इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S22, गैलेक्सी S22 प्लस, गैलेक्सी S22 अल्ट्रा, कंप्लीट S22 लाइनअप के लिए वन UI 7 एंड्रॉइड 15 का जो अपडेट है वो आपको इंडिया में मिलेगा या फिर नहीं, और अपडेट अगर मिलेगा तो कौन सी डेट को अपडेट है, वो आने के चांसेस है और फीचर्स है ना वो आपको कौन कौन से नए देखने को मिलेंगे। सो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच करते रहिए, वीडियो आपको ये अच्छी लगती है तो अभी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ये अपडेट की अनाउंसमेंट होगी तो वीडियो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। और आप लोग सैमसंग का टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको फीचर्स के रिगार्डिंग जो न्यूज है ना वो यहां पर पहले ही देखने को मिल जाती है। फीचर्स के बारे में आगे बात करेंगे, पहले बात करते हैं वन UI 7 का अपडेट का स्टेटस है ना वो यहां पर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले अपडेट आपको सैमसंग की S24 लाइनअप है उसके लिए मिलेगा, और उसके लिए जब भी अपडेट आ जाएगा जो कि आने वाला है दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर या फिर 10 दिसंबर से पहले पहले, तो अगर ये अपडेट 10 दिसंबर से पहले पहले आ जाता है तो उसके बाद में सैमसंग का जो S23 कंप्लीट लाइनअप है उसके लिए अपडेट है ना वो दिसंबर के 3rd से 4th वीक के अंदर आएगा। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं सैमसंग S22 कंप्लीट लाइनअप के लिए, तो इस बार गाइस थोड़ा मतलब कि बेड न्यूज है सामने निकल के आ रही है कि जो अपडेट है ना वो यहाँ पर आने के चांसेस है वो यहाँ पर काफी कम है। यहाँ पर आप लोग एक लिस्ट है ना वो देख पा रहे होंगे जो कि मैंने आपके साथ में काफी पहले शेयर कर दी थी। ये दोनों न्यूज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, लेकिन आप लोग ये देख सकते हो इंटरनल ये एक न्यूज है ना वो सामने निकल के आ रही है कि इस बार ये चीज कन्फर्म नहीं है कि S22 कंप्लीट लाइनअप के अंदर आपको वन UI 7 का और एंड्रॉइड 15 का बीटा अपडेट है वो मिलेगा या फिर नहीं। अब ये चीज हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन इंटरनली यही न्यूज है वो सामने निकल के आ रही है। आप लोग देख सकते हो S21 सीरीज के लिए तो कंफर्म हो चुका है कि अपडेट है वो नहीं आने वाला है, तो हो सकता है अगर प्रोसेसर है वो इतना ज्यादा कैपेबल नहीं रहता है, वैसे प्रोसेसर काफी अच्छा है इंडियन वेरियंट के अंदर, लेकिन फिर भी अगर कुछ मेजर बग्स आते हैं ना सैमसंग की तरफ से बीटा अपडेट के अंदर तो अपडेट है उसको यहाँ पर रिलीज नहीं किया जाएगा। लेकिन आप लोग टेंशन मत लेना क्योंकि ऑफिशियल अपडेट है वो तो जरूर से यहां पर मिलने वाला है, पहले तो बीटा अपडेट है ना वो यहां पर आता है जिसके लिए हम लोग सैमसंग की मेंबर्स एप्लीकेशन को यूज करके जो लिमिटेड यूजर है वहीं यहां पर बीटा अपडेट को इंस्टॉल कर पाते हैं। तो ऑफिशियल अपडेट है वो तो कंफर्म है, लेकिन बीटा अपडेट है उसकी न्यूज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। लेकिन अगर स्टिल ये अपडेट है वो आने के चांसेस रहते हैं तो ये अपडेट आपको डायरेक्ट जनवरी मंथ के अंदर मिलेगा, दिसंबर मंथ के अंदर कोई चांस नहीं है S22 कंप्लीट लाइनअप के लिए अपडेट है वो देखने को मिल जाए। बात करूं मैं आप लोगों से कुछ नए फीचर्स के बारे में, तो आपको कंट्रोल सेंटर की डिजाइन है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, और फुल्ली यहां पर ये कस्टमाइजेबल है। साथ ही में कुछ नए विजेट्स मिलेंगे, आइकन्स की जो डिजाइन है वो आपको चेंज देखने को मिलेगी, और ये एक आप लोग फोटो देख पा रहे होंगे जो कि लॉक स्क्रीन की है, तो आपको एक ये नाउ बार का नया ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर आप लोग कुछ नए एक्शंस है वो यहां पर परफॉर्म कर पाओगे, और इसी टाइप के और काफी सारे फीचर है ना वो मैंने आप लोगों को यहां पर बता रखे अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, या फिर आपको हमारे YouTube चैनल पे रेगुलर वीडियोस मिलती रहती है फीचर्स की रिगार्डिंग, तो वॉच कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।